बसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती द्वारा आर्य करनाल के लघु सचिवालय के समक्ष बैठे गुरु रविदास का मंदिर तोड़े जाने के विरोध स्वरूप लोगों के बीच जाकर उनको अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती करनाल में आमन अनशन पर बैठे गेस्ट टीचर के मध्य भी पहुंचे और उनको सरकार आने के बाद नियमित करने का आश्वासन दिया। यहां हम आपको बता दें कि गैस टीचर पिछले 18 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं और रामन अनशन किए हुए हैं, जिसमें से एक अध्यापक राजकुमार कलीरमन की हालत गंभीर होती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती ने गैस टीचर के बीच जाकर रामन अनशन पर बैठे अध्यापक का हाल चाल जाना और सरकार को इनकी मांग पूरा करने के लिए आह्वान किया। आज हमारी लोकसभा करनाल की बैठक थी, पूरे प्रदेश में हम दौरे पर हैं, कैंडिडेट के पैनल तैयार कर रहे हैं। पार्टी की जो सरकार देश में प्रदेश में है ना जी, ये सरकार इस देश के संविधान को तहस नहस करना चाहती। आज भारत का संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सभी धर्मों को बराबरी से जीने का हक देता है। सभी धर्मों का हमारा सम्मान करता है संविधान। संविधान ने सभी धर्मों को बराबरी का मौका दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विशेष तौर से गुरु रविदास महाराज के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भगवान वाल्मीकि जी के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। ऐसा क्यों? मूर्तियां तो इस देश में बहुत सारी लगी हैं, पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जा रही हैं? गुरु रविदास जी का ही मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? ये एक मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी इस देश में दलितों को, पिछड़ों को और खास करके दबे कुचले लोगों को इस देश में दबाना चाहती है, और कभी भी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती है। इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इस सरकार को खाड़ फेंकने का लोग काम करेंगे। जनता ने सरकार को बनाने का काम किया है। आज जिस तरीके से तानाशाही सरकार हो रही है, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रदेश देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन जल्दी खड़ा होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, गुरु रविदास महाराज का मंदिर बनाना पड़ेगा। गैस टीचरों पे भी लाठीचार्ज हुआ? गैस टीचरों पे बिल्कुल, सरकार आज सरकार में कोई भी, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, यदि कोई आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाने का काम करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, ये उनके ऊपर पानी के बछारे फेंकते हैं, और आज ये किसी को भी आवाज उठाना ही नहीं देना चाहते। बोलना है आज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सर, यहाँ सरकार की मैं निंदा करता हूँ। आचार संहिता लगने वाली है, आपकी पार्टी का क्या कुछ रहेगा? बहुजन समाज पार्टी जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।